हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। असिस्टेंट प्रोफेसर पोस्ट के लिए एक नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है, तो चलिए नोटिफिकेशन को थोरली चेक करते हैं। यहाँ पे सारे डिपार्टमेंट दिए हुए हैं, आप देख सकते हैं केमिस्ट्री, कॉमर्स, इंग्लिश, हिंदी, हिस्ट्री, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, पॉलिटिकल साइंस, संस्कृत, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर साइंस एंड ईवीएस। ठीक है, तो यहाँ पे कैटेगरी वाइज कितना कितना वैकेंसी है वो दिया हुआ है, वो आप चेक कर लेना। पीडब्ल्यूबीटी के लिए भी यहाँ पे मतलब बहुत पर्टिकुलर यहाँ पे वैकेंसी दिया गया है, जैसे लोकोमोटर डिजेबिलिटी के लिए 1, VI विजुअल इम्पेयरमेंट के लिए 1 एंड हार्ड ऑफ हियरिंग के लिए 1, तो ये आप चेक कर लेना। ठीक है, तो टोटल जो वैकेंसी है वो 88 वैकेंसी रिलीज किया गया है, ह्यूज वैकेंसी है इस बार। ठीक है, असिस्टेंट प्रोफेसर पोस्ट के लिए, जो कि बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी गुड न्यूज है। ठीक है, इसके बाद चलते हैं क्वालिफिकेशन में। तो आपका असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो एलिजिबिलिटी चाहिए, मास्टर्स डिग्री, उसके साथ 55% मार्क्स। ठीक है, उसके साथ आपका नेट चाहिए, नेट मतलब नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। ठीक है, अगर आपके पास नेट ये आता है फर्स्ट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में, तो अगर आपके पास नेट नहीं है तो पीएचडी आपके पास होना चाहिए, क्योंकि कुछ कुछ डिसिप्लिन में नेट कंडक्ट नहीं किया जाता है यूजीसी या सीएसआईआर के द्वारा। तो अगर आपके पास नेट नहीं है तो मिनिमम आपके पास पीएचडी होना ही होना चाहिए। ठीक है, अगर आपका पीएचडी डिग्री कोई भी फॉरेन यूनिवर्सिटी से है तो वो टॉप 500 वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में आना चाहिए, तभी ये एक्सेप्टेबल होगा। ठीक है, एंड यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे पीएचडी डिग्री आपका जो पीएचडी डिग्री है तो वो अगर 2009 के जो रेगुलेशन था एंड 2016 के जो रेगुलेशन था उससे आपका पीएचडी का रजिस्ट्रेशन हुआ था, या फिर 2009 के पहले का हुआ था। ठीक है, जुलाई 11 2009 से आपका पहले का रजिस्ट्रेशन हुआ था तो आप नेट से एग्जेम्प्ट होते हैं, मतलब आपके लिए जो एलिजिबिलिटी में आपका नेट की कोई जरूरत नहीं है। ओके, एंड यहाँ पे दिया हुआ है कुछ कंडीशन है, अगर आपके पास नेट है, नेट नहीं है, पीएचडी है, तो फिर कुछ कंडीशन है, जैसे आपका पीएचडी डिग्री जो है वो मतलब रेगुलर मोड पे होना चाहिए। ठीक है, आपका जो एटलीस्ट 2 एक्सटर्नल एग्जामिनर से आपका जो पीएचडी थीसिस है वो इवेलुएट होना चाहिए, एंड आपका जो पीएचडी वाइवा हुआ था वो ओपन वाइवा है कि नहीं वो यहाँ पे देखा जाएगा। उसके बाद आपके पास एटलीस्ट 2 रिसर्च पेपर्स होना चाहिए, जिसमें से एक एटलीस्ट 1 रिसर्च पेपर आपका कोई भी अच्छा जर्नल में, मतलब रेफर जर्नल में आपका पब्लिश होना चाहिए, मतलब रिसर्च जो जर्नल होता है उसका इम्पैक्ट फैक्टर होता है, आपको पता ही होगा, तो जो इम्पैक्ट फैक्टर जितना ज्यादा होगा उतना यहाँ पे अच्छा होगा। ठीक है, रेफरेंस के लिए। ओके, तो यहाँ पे कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस वगैरह दिया हुआ है, रिलैक्सेशन यहाँ पे मिल जाएगा आपको, वो आप चेक कर लेना। ठीक है, 5% रिलैक्सेशन, एंड अगर आप कोई भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो कितना कितना परसेंटेज आपको रिलैक्सेशन मिलेगा एलिजिबिलिटी में वो आप चेक कर लेना। ठीक है, यहाँ पे इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू के थ्रू ही मतलब आपका सिलेक्शन होगा, कोई भी एग्जाम यहाँ पे नहीं होने वाला है, जो कि मतलब गुड न्यूज है आपके लिए। उसके बाद एप्लीकेशन फीस जो है यहाँ पे 500 रुपीज रखा गया है अनरिजर्व कैटेगरी, मतलब जनरल कैटेगरी, ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए। ठीक है, बट यहाँ पे कोई भी एप्लीकेशन फीस नहीं लगेगा एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैटेगरी एंड वीमेन कैंडिडेट के लिए। ठीक है, ये नॉन रिफंडेबल है, कोई भी अगर अपने फीस पे कर दिया तो यहाँ पे वो रिफंड नहीं किया जाएगा। ठीक है, आपका जो पेमेंट होगा वो ऑनलाइन होगा, एंड क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या फिर नेट बैंकिंग के थ्रू आप पेमेंट कर सकते हैं। अगर आप मतलब एक से ज्यादा पोस्ट या डिपार्टमेंट में अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको मतलब सेपरेटली अप्लाई करना होगा, एंड उसके लिए सेपरेटली फीस को पे करना होगा। ठीक है, बस यही है नोटिफिकेशन जो है, मतलब ज्यादा बड़ा नहीं है, छोटा ही है, तो आप अच्छे से चेक कर लेना इसको। बहुत कुछ दिया हुआ है, जैसे मतलब नॉर्मली मतलब दिया होता है नोटिफिकेशन, बट फिर भी आप बहुत अच्छे से चेक कर लेना। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है नो टीएडीएफ शैल बी पेड फॉर द इंटरव्यू। ठीक है, तो इंटरव्यू के लिए कोई टीएडी आपको नहीं मिलेगा, तो ये सारे लाइंस जो है एक बार एटलीस्ट मतलब वन टाइम आप चेक कर लेना। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि कहाँ से आपको ये नोटिफिकेशन मिलेगा। ये जो नोटिफिकेशन है ये आया है मोतीलाल नेहरू कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली की तरफ से। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है क्योंकि वैकेंसी इस बार बहुत ज्यादा है, तो बिल्कुल आप अप्लाई कीजिए। इम्पोर्टेंट एक चीज मैं बोलना भूल गई थी, तो यहाँ पे जो सैलरी मिलेगी आपको बहुत अच्छी है, पे लेवल 10 है, तो आपको जो ग्रॉस सैलरी बनेगी आपका 1 लाख प्लस होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे एंट्री पे दिया हुआ है जो कि 57,000
700 रुपीज पर मंथ आपको मिलेगा, बट जो आपका क्रॉस सैलरी होगा वो 1 लाख प्लस जाने वाला है, ठीक है। तो अब चलिए वेबसाइट में चलते हैं, ठीक है। ये रहा मोतीलाल नेहरू कॉलेज, ये वेबसाइट है, अच्छे से वेबसाइट को देख लीजिए। उसके बाद यहाँ पे नीचे स्क्रॉल डाउन करके आपको मिल जाएगा क्विक लिंक्स, उसमें आपको मिल जाएगा रिक्रूटमेंट। तो रिक्रूटमेंट में आपको क्लिक करना है, उसके बाद एक टैब ओपन हो जाएगा रिक्रूटमेंट करके। तो वहाँ पे जो सबसे ऊपर में दिखेगा आपका एडवर्टाइजमेंट फॉर रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर इन द कॉलेज, तो इसमें आपको क्लिक करना है, ठीक है। जैसे ही आप क्लिक करते हैं आपका एडवर्टाइजमेंट ओपन हो जाएगा। और अगर आपको अप्लाई करना है, ऑनलाइन अप्लाई करना है, तो एक ऑनलाइन एप्लीकेशन लिंक में आप क्लिक कीजिए, ठीक है। मैं मेरी वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक डाल दूंगी, आप वहां से भी चेक कर सकते हैं, यहां से भी आप देख सकते हैं, ठीक है। मेरी वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लग रहा है तो प्लीज प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट करना ना भूले कोई भी डाउट्स हो आपके मन में, ठीक है। एंड मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, ताकि मैं कभी भी वीडियो अपलोड करूँ वो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए, ठीक है। मुझे सपोर्ट कीजिए मेरी वीडियो को लाइक करके, ठीक है, मुझे सपोर्ट कीजिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिलेगा और भी जो जो करंट ओपनिंग्स आएगा उसके बारे में अपडेट आपको देने के लिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग।